हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो कार्स। सो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ बेलेनो 2022 लेटेस्ट न्यू जनरेशन। सो गाइस, गाड़ी बहुत ही ख़तरनाक, बहुत ही बढ़िया लग रही है, बोल्ड लग रही है। गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करा मारुति ने। सो इसके लिए मारुति को हेड्स ऑफ है। तो कुछ स्टार्ट करते हैं अपनी गाड़ी में। तो ये हमारे पावर विंडोज़ हैं जो कि चारों के चारों आपको जैसे टॉप एंड वेरिएंट में मिलते हैं उसी के साथ के हैं। यहाँ पर आपको बॉर्डर होल्डर मिल जाएगा, साथ में आपको स्पीकर की ग्रिल मिल जाएगी। मतलब टोटली गाड़ी बिल्कुल 0 to 0 चेंज है, ठीक है। ये आपको सब कुछ ऑटोमेटिक ऑप्शन और ये सब सेंटर लॉकिंग, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग के साथ इम्प्रूवमेंट करी है मारुति ने। और ये आपको स्विफ्ट वाला स्टेयरिंग मिल जाएगा, डी कट वाला। और इसमें आपको स्टेयरिंग कंट्रोल, माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे, आफ्टर मार्केट आपको पता है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इससे आगे जाएंगे तो मीटर में आपको आरपीएम दे दिया गया है। पहले जो था उसमें खाली सिर्फ स्पीडोमीटर आता था, अब आरपीएम भी दे दिया है। और म्यूज़िक सिस्टम आपको अभी नहीं मिल रहा है, ये हज़ार स्विच है। ये ऑटोमेटिक एसी दे दिया बेस मॉडल में ही, वाह जी वाह, बहुत बढ़िया करा। ये चार्जिंग सॉकेट वगैरह आपको मिल जाते हैं, बॉटल ग्लास होल्डर, गियर नॉब, हैंड ब्रेक। टोटली गाड़ी डिफरेंट कर दिया भाई, मज़ा आ गया गाड़ी देख के। अच्छी लगी है कि मारुति इम्प्रूव कर रहा है अपने आप को, ठीक है। तो ये मैं बात करूँगा, जैसे कि अभी इसमें फ्रंट में जो हेडरेस्ट आते थे वो एडजस्टेबल नहीं आते थे, अब एडजस्टेबल दे दिए हैं और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है यार। पर जो है ना, प्राइसेस के मामले में बहुत ज़्यादा मारुति ने मतलब रेट बढ़ा दिया है। टॉप मॉडल जाके 10.5 लाख पर बैठ रहा है, ठीक है। सो अब सीटिंग वगैरह में भी आपको लेदर राइट कुछ नहीं मिलेगा, फैब्रिक मिलेगा। बैग में आपको एक सिगरेट लाइटर का पोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। और हैंडरेस्ट वगैरह कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो भी बहुत बढ़िया बात है यार, मारुति के हिसाब से जिस टाइप मारुति अपनी कार्स को दे रही थी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है बेलेनो के अंदर। और ये कुछ मतलब कि सारा कुछ आपको फिटिंग्स वगैरह में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। फैब्रिक आपको मिल रहा है नॉर्मल, और साथ ही में एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट बैक वाले नहीं मिलेंगे, फ्रंट में मिलेंगे आपको, ठीक है। और सारे कुछ मतलब कि बेस मॉडल लग नहीं रहा यार, वर्थ टैब मॉडल। आप इसमें एक स्टीरियो लगवाओ 5-10 हज़ार रुपये का और स्पीकर्स लगवाओ, मतलब 20-30 हज़ार रुपये का मैक्सिमम खर्चा है और आपका बढ़िया काम चलेगा। और बैक से चलेंगे, और बैक में आपको ये रियर में आपको ये बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। मैं आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पे कितना है, मुझे नहीं अराउंड पता, ठीक है। और स्पेयर व्हील हमको आपको दिखा देते हैं, स्पेयर व्हील ये इसका है, ठीक है। स्पेयर व्हील मिलेगा आपको 185, 65, R15 और जो टॉप एंड वेरिएंट में 16 इंच का आपको मिलेगा अलॉय व्हील, ठीक है। बेस में आपको स्टील रिम में ही मिलेंगे अभी भी। तो बैक से कुछ ऐसी लुक है बलेनो की, काफ़ी अच्छी लग रही है यार बैक से। इसकी जो ब्रॉड लाइंस आपको, इनकी जो हेडलाइट्स चौड़ी कर दी गई हैं, सॉरी टेल लाइट्स, और ये स्टॉप लैंप है। बैक में आपको वाइपर नहीं मिलेगा बट डिफॉगर मिल रहा है बेस मॉडल के अंदर, बहुत अच्छी बात है। ये निसान मैग्नाइट से ही कंपनी ने शायद देखा है क्या है मुझे नहीं पता, बट उन्हीं की रीस करी है जो भी है। तो आपको ये टायर मिल रहा है स्टील रिम जो है, और डोर हैंडल्स जो है वो बॉडी कलर नहीं, ब्लैक में ही मिलेंगे आपको। और फ्रंट से कुछ ऐसी दिखती है जो कि मतलब बेसिक है, ब्लैक है। आप इसमें क्रोम वगैरह लगवा के आप इसको टॉप एंड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और बेस में इस बार प्रोजेक्टर दे दिया, वाह जी वाह। पर फॉग लाइट्स नहीं आपको अभी भी मिल रहे, और ये मारुति का लोगो भी ब्रॉड कर दिया थोड़ा। एंड काफ़ी अच्छी लग रही है यार बलेनो की। अब थोड़ा सा हमें एक चेंज मिला है तो गाड़ी में टाइम तो लगेगा यार थोड़ा सा इसको करने में। हाँ, आपको और ORVMs जो है आपको ब्लैकआउट ही मिलेंगे, और जो आपको फेंडर पे आपको इंडिकेटर अभी भी मिलेगा वही बेस मॉडल वाला। अगर आप इसमें ORVM ऐसे दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार जो फेंडर पे इंडिकेटर है उसको डिलीट कर दो यार, ये बहुत अजीब लगता है अब के टाइम में। तो इससे पहचान हो जाती है कि बेस मॉडल है। तो बलेनो के हिसाब से मारुति ने भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है, कि जो इसकी लुक्स वगैरह है सब कुछ चेंज कर दिया है। और ये कुछ और कलर्स भी मेरे को दिखे थे तो मैंने ये भी इसको भी शूट कर लिया था। तो सो टेक केयर, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।